तो नवाज शरीफ की नाहली का फैसला तो अवाम कर चुकी है, अवाम उसको मुकम्मल तौर पे नाहल करार दे चुके हैं। व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है, अख्तर कुरैशी साहब हैं लाहौर से, वो कहते हैं जी कि आज की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद हफ्ते कबल पार्लियामेंट में मंजूर किए गए रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 को कालेधन करार दे दिया। बाजार इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली की सजा खत्म होने के इम्कान भी खत्म हो गए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक दबंग फैसला नहीं है? ये दुरुस्त बात है। फैसलों के बारे में दबंग वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुझे नहीं ठीक है। फैसला या सही होता है या गलत होता है, या उसूली होता है या गैर उसूली होता है, या अदालती होता है या सियासी होता है, सो एब्सोल्युटली दुरुस्त खूबसूरत फैसला है। इस फैसले का आगे अंजाम क्या होता है वो देखने की बात यह है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह कि नवाज शरीफ की जो अहली नाअहली है, मैं अब बिल्कुल और हवाले से बात कर रहा हूँ, उसका फैसला हो चुका है। अदलिया अपनी जगह बहुत मोहतरम अदारा है, इंटरनेशनल रेटिंग में चाहे ये पता नहीं कहाँ आता है, लेकिन बहरहाल अदलिया ये बुजुर्ग होते हैं फैमिली के, या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदलिया, ये जितने भी हैं बेसिकली तो ये एल्डर्स वाला जो एक फैमिली में बुजुर्गों का जो स्टेटस होता है, बड़ों का बुजुर्ग होना हो उम्र रसीदा हो, बुजुर्ग में और उम्र रसीदा होने में फर्क है। बुजुर्ग कहते हैं ग्रैंड को, आलीशान, उम्र रसीदा वो होता है जो उम्र में बड़ा हो तो उसकी भी सुननी पड़ती है। बहरहाल तो नवाज शरीफ की नाहली का फैसला तो अवाम कर चुके हैं। मेरा फीडबैक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा असेसमेंट है, और मुझे इस पे यकीन है। मैं कभी हवा में बात इधर उधर कोई ये सेंसेशनलिज्म, मैं इस तरह की बातों में बिलीव नहीं करता, और खुद भी मैं कहता हूं कि बाकी क्या है, मैं अल्लाह बेहतर जानता है, इस तरह की बात मैं कंक्लूड करता हूं। लेकिन इस चीज के बारे में मुझे रत्ती बराबर शक नहीं है कि नवाज शरीफ को नाअहल अवाम करा दे, तयशुदा बात। और अख्तर कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है, आप चुपके से खामोशी से, कोई प्लान नहीं है, वहीं चलते फिरते हैं गुलबर्ग में, उसके बाद समनाबाद चले जाएं, उसके बाद DHA में चले जाएं, उसके बाद आप अंदरून की को 5-7 बस्तियों में चले जाएं, हर जगह पे आप 10-10, 15-15, 20-20, 15 से पूछेंगे जी ये मैं थोड़ा पाकिस्तानी पराया, मैं सिर्फ जाना ना चाहना वोट के मुख्य, पता लग जाएगा नवाज शरीफ नाहल करार दिया जा चुका है, जो अल्टीमेट अल्लाह के बाद ताकत होती है अवाम की, अवाम उसको मुकम्मल तौर पे नाहल करार दे चुके हैं।